शेना बेसलर बनी लेडी ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर ने किया अपना रिटर्न और जानेंगे क्या कुछ हुआ है बड़ा आज एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। गाइस WWE का पीपीवी एलिमिनेशन चेंबर हो चुका है खत्म, जो कि मेरे हिसाब से काफी बेहतरीन रहा इस बार के एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। दोस्तों पहले से मैचेस उतने अच्छे बुक नहीं किए गए थे, लेकिन आज जितने भी मैचेस हमने देखे वो वेल ऑर्गेनाइज थे। सबसे पहला मैच जो किक ऑफ के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है वो था दोस्तों वाइकिंग रेडर्स बनाम जैक राइडर एंड कर्ट हॉकिंग्स की टीम के मध्य। तो कर्ट हॉकिंग्स और जैक राइडर की टीम इतनी तगड़ी नहीं है, वहीं वाइकिंग रेडर्स की बात की जाए फॉर्मर टैग चैंप्स रहे, तो साफ सी बात है इसमें कौन जीत रहा था। इसके अंदर दोस्तों ये एंगल देखने को मिला कि वाइकिंग रेडर्स ने अपना फिनिशर लगाया और वहां कर्ट हॉकिंग्स और जैक राइडर की पिन हो गई। इस तरीके से किक ऑफ खत्म हुआ हमें देखने को मिला। मेन शो में सबसे पहला मैच जो हम लोगों को देखने को मिला है वो था ड्रू गुलक बनाम डेनियल ब्रायन। अब इस मैच को दूर से जब हम देख रहे थे तो हमें काफी घटिया लग रहा था, लेकिन जब मैच स्टार्ट हुआ तो इसमें मजा ही आ गया। इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल मूव्स देखने को मिले, ड्रैगन सुप्लेक्स यूज होते हुए नजर आई है जो कि काफी रेयर रहती है। एंड की बात की जाए, एंड इस तरीके से आया कि ड्रू गुलक को लग गया यस लॉक और वो हो गए फेड आउट। डेनियल ब्रायन इसमें विजय रहे, तो शो की शुरुआत हुई डेनियल ब्रायन की जीत के साथ। इसके बाद जो अगला मैच था वो था अंद्रादे सियान अल्मस का। तो अंद्रादे जो कि यूएस चैंपियन है फेस किया है हम्बर्टो कारियो को। ये मैच दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने उसी तरीके से बुक किया जिस तरीके से बीते लाखों मैच इनके बुक किए गए थे। अंत इस तरीके से आया कि ज़ेलिना वेगा जो है वो खाल उतार देती है फ्लोर की, अंद्रादे को कहती है कि इसको मार, लेकिन उल्टा पिटाई हो जाती है अंद्रादे की। इसके बाद दोस्तों हम्बर्टो कारियो एक मूव भी मारते हैं, डाइव लगाते हैं और उसके बाद रिंग में फेंकते हैं अंद्रादे को। अंद्रादे लगाते थे एक तगड़े वाला रोलअप, अंद्रादे का रोलअप दोस्तों हम्बर्टो से नहीं तोड़ा गया, उनकी पिन हो गई और अंद्रादे इसमें रिटेन कर गए। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला वो था टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए, जहां दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर रखा गया था स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और इसमें दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आया, मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया मैच था पूरे कार्ड के अंदर। मैच की शुरुआत जो हुई दोस्तों वो काफी स्लो तरीके से हुई, जहां सबसे पहले ऊसोज और द न्यू डे के मुस्टंडे आपस में लड़ते हैं रिंग के अंदर, दोनों लड़ रहे होते हैं दोस्तों, और फिर एंट्री होती है सबसे तगड़ी टीम की यानी कि लूचा हाउस पार्टी की। यहां दोस्तों हम मजाक में लूचा हाउस पार्टी को तगड़ा कह रहे थे, लेकिन गाइज सच बताऊं तो जो एक्साइटमेंट पैदा की एलिमिनेशन चेंबर में वो इन दोनों ने की। आते ही सार बहुत सारी डाइव्स लगाई, लोग हो गए पागल। उसके बाद एंट्री हुई दोस्तों मिज एंड मॉर्सन की, जो कि डोमिनेट करने लगे। फिर आए दोस्तों हैवी मशीनरी वाले, हैवी मशीनरी के आने से भी दोस्तों बहुत मजा आया, जहां दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि डोराडो जो है वो एक तरीके का शूटिंग स्टार प्रेस भी लगाते हैं और जनता दोस्तों एकदम से झल्लासी गई। और ये झल्लाहट ज्यादा देर तक नहीं टिकी है क्योंकि ग्रैंड मेटालिक ने फिनिशर खा लिया हैवी मशीनरी का और उनकी पिन हो गई। तो हैवी मशीनरी ने दोस्तों सबसे पहले एलिमिनेशन करवाई है और वो कराई लूचा हाउस पार्टी की। लूचा हाउस पार्टी सबसे पहले बार हुई। उसके बाद एंट्री होती है रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ ज़िगलर की, जो कि एंड में अपने पॉड से निकलने थे। निकलते सार दोस्तों उन्होंने पिटाई करना स्टार्ट कर दी हैवी मशीनरी की। हैवी मशीनरी को दोस्तों पीटने के लिए आ गए वहां मिज एंड मॉर्सन भी, चारों मिलकर खूब पीट रहे थे। और इसी बीच हमें चीज देखने को मिल गई कि हैवी मशीनरी ने फाइट बैक किया और एंगल कुछ इस तरीके से गया कि डॉल्फ ज़िगलर को मारने जाते हैं ओटिस, डॉल्फ हटते हैं और पॉड तोड़कर दोस्तों ओटिस लिटरली बाहर गिर जाते हैं एलिमिनेशन चेंबर से। पहली बार ऐसा हुआ कि पॉड तोड़कर कोई बाहर ही चला गया हो, और यही दोस्तों सारा मामला गड़बड़ होते हुए नजर आया। हुआ क्या कि टकर को अंदर लग गई ग्लोरियस डीडीटी और उनकी हो गई पिन। तो यहाँ दोस्तों दूसरी एलिमिनेशन हुई हैवी मशीनरी की। और उसके बाद हमें एक चीज देखने को मिलती है कि जो उसोस और न्यू डे है वो एक साथ हो जाते हैं और कर देते हैं रॉबर्ट रूड डॉल्फ ज़िगलर की पिटाई। इन दोनों को दोस्तों दोनों ने मिलकर अपने अपने फिनिशर लगाए और उसोस स्प्लैश के चलते रॉबर्ट रूड और डॉल्फ ज़िगलर भी हो गए बाहर। इसके बाद दोस्तों हुआ क्या, कोफी किंगस्टन और जो बिगी है वो उठ खड़े होते हैं, वो फाइट बैक करने लग जाते हैं मिज एंड मॉरिसन के साथ। कि गाइस होता क्या है कि कोफी ऊपर से कूद लगाते हैं जो कि मिस हो जाती है, मिज एंड मॉरिसन उनकी पिन कर जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों मौके का फायदा उठा लिया मिज एंड मॉरिसन ने, और एंड में जो टीम्स बची थी वो थी उसोज एंड मिज एंड मॉरिसन की। मैच दोस्तों होता है दोनों की तरफ से, दोस्तों हम एक एक करके मूव्स देखने को मिलते हैं। अंत कुछ इस तरीके से आता है कि वहां डबल रोल अप
लगता है, जहां दोस्तों जो मिज है वो पीछे से रोल अप लगाते हैं और जो मॉरिसन है वो आगे से लगाते हैं। एक तरीके से कुतिया सा बना दिया था उन्होंने ऊसो का, और वहां दोस्तों रेफरी ने पिन कर दिया। पिन नहीं टूट पाती क्योंकि काफी स्ट्रांग होल्ड वो था, और इसके चलते दोस्तों मिज और मॉरिसन इस मैच के अंदर रिटेन कर गए। तो काफी बढ़िया मैच डब्ल्यू वालों ने बुक किया है। पहले काफी घटिया लग रहा था जब दूर से देख रहे थे, लेकिन गाइस बात की जाए इस मैच के बाद क्या कुछ हुआ है, तो गाइस इसके बाद भाई एक्साइटमेंट का सिलसिला नहीं थमा। हमें इसके बाद जो अगला मैच देखने को मिला वो था दोस्तों अलस्टर ब्लैक वर्सेस द फेनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के मध्य। तो मैच शायद डब्ल्यूई वालों ने मेरी वीडियो को देखकर बुक किया है, वेल जोक्स अपार्ट, लेकिन गाइस इस मैच के अंदर वही सब हुआ जो कि मैंने आपको बताया था। मैच के शुरुआती क्षणों में चीज देखने को मिलती है कि जो एजे स्टाइल्स है वो सिर्फ उस नी को टैकल कर रहे हैं अलस्टर ब्लैक की, जिससे वो अपना फिनिशर लगाते हैं, ब्लैक मास्क लगाते हैं, और इसका प्रभाव दोस्तों अलस्टर ब्लैक के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। होता क्या है कि एजे स्टाइल्स चेयर का भी यूज करते हैं उसी नी के ऊपर, सबमिशन भी उसी नी के ऊपर लगाते हैं, और मैच में दोस्तों अलस्टर ब्लैक का जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। एंडिंग मोमेंट्स में दोस्तों जैसे तैसे अलस्टर ब्लैक कम बैक करते हैं, और इसी बीच हमें एंगल देखने को मिल जाता है कि जो ओसी के मुस्टंडे जो कि बाहर खड़े हुए थे ल्यूक एंड कार्ल, वो रिंग के अंदर आ गए, उन्होंने पिटाई करनी स्टार्ट कर दी वहां अलस्टर ब्लैक की। सिंस मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन था, रेफरी कुछ नहीं कर सकता था, मैजिक किलर लगा हुआ अलस्टर ब्लैक को। एजे स्टाइल्स गए फिनोमिनल फोरआर्म के लिए, लाइट्स हो गई ऑफ, और जैसे बतिया दोस्तों आई है वहां दोस्तों अंडरटेकर रिंग के अंदर थे जो कि चोकआउट किए ल्यूक एंड कार्ल को। एजे स्टाइल्स डर गए जो कि एप्रन के ऊपर खड़े थे, उन्होंने सोचा क्यों ना इसे ही मैं फिनोमिनल फोरआर्म धर दूं, यानी कि अंडरटेकर को कूदे, उन्हें लग गया दोस्तों चौक स्लैम, बतिया फिर से हो गई गुल, और उसके बाद जब बतिया आई तो गाइस वहां से गायब थे अंडरटेकर। अलस्टर ब्लैक ने लगाया अपना फिनिशर यानी कि ब्लैक मास, और वहां दोस्तों पिन हो गई एजे स्टाइल्स की। तो कुल मिलाकर दोस्तों वही थिंग्स हुई है जो कि मानी जा रही थी, अलस्टर ब्लैक इस मैच में विजय रहे ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ फिनोम अंडरटेकर। बात कर जाए इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो गाइस अंडरटेकर के रिटर्न के बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिली है वो था स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच। तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने आज फेस किया है बड़ी मर्फी एंड सेथ रॉलिंस को। इस मैच के शुरुआती क्षणों में दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि एओपी वाले काफी ज्यादा इंटरफेरेंस कर रहे हैं, लेकिन बीच में दोस्तों वहां मदद आ जाती है वाइकिंग रेडर्स की, जो कि पीटते पीटते ले जाते हैं एओपी के मुस्टंडो को बाहर। रिंग के अंदर मैच अब क्लीन हो चुका था, और इसी बीच हमें देखने को मिलती है एक और इंटरफेरेंस। होता गया है कि मैच के अंदर दोस्तों सेथ और मर्फी काफी अच्छा कर रहे थे, लेकिन वहां दोस्तों आ गए केविन ओवंस। केविन ओवंस पॉपकॉर्न खा रहे थे, और पॉपकॉर्न खाते खाते उन्हें काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दिया सेथ को। सेथ बाहर आकर उनसे कन्फ्रंट करने लगे कि एंजेलो ने दोस्तों सेथ के पटाखे धर दिए। वही हुआ क्या कि मर्फी जो कि अकेले बचे हुए थे रिंग के अंदर, उन्हें लगता है फिनिशर जो कि था मेन फिनिशर स्ट्रीट प्रॉफिट्स का एनिक स्प्लैश, और उनकी हो गई पिन। तो यहां दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स का हो गया फायदा ड्यू टू केविन ओवंस। केविन ओवंस ने दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स को आज रिटेन करवा दिया, और मैच के बाद दोस्तों केविन ओवंस ने अपना बदला भी लिया। वो रिंग के अंदर आए और उन्होंने एक तगड़े वाला स्टनर लगाया सेथ रॉलिंस को। तो सेथ रॉलिंस का दिन आज बेकार चला गया, और केविन ओवंस और सेथ रॉलिंस अब रेसलमेनिया के लिए लगभग कंफर्म लग रहा है। बात कर जाए इस मैच के बाद क्या कुछ हुआ है, तो भाई इस मैच के खत्म होने के बाद जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिला वो था सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस शिंसुके नाकामुरा की टीम के मध्य एक हैंडीकैप। तो शिंसुके नाकामुरा, सिजारो और सेमी ज़ेन आज फेस कर रहे थे ब्रॉन को। ब्रॉन हमारे आईसी चैंपियन थे, लेकिन मैच के अंत तक वो नहीं रहे। हुआ क्या दोस्तों, मैच के अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन जो है वो काफी अच्छे अच्छे मूव्स लगाते हैं, काफी मुश्किल से वो दोस्तों तीनों का सामना कर पा रहे थे। जब किसी एक को पीटते तो दूसरा टैग लेता, जैसे कि शिंसुके को पीटते सिजारो टैग ले लेते, सिजारो को पीटते तो सेमी टैग ले लेते, ये सिलसिला जारी रहता और ब्रॉन थकते ही रहते। एंड में दोस्तों ये हुआ कि उन्हें वहां सुप्लेक्स हलुआ किक एक तरीके का कंबाइन फिनिशर लगाया ब्रॉन को, और उनकी हो गई पिन। पिन किसने करी, ये काफी इंटरेस्टिंग थिंग थी। वहां दोस्तों पिन की है सेमी ज़ेन ने, सेमी ज़ेन लीगल मैन थे, इसके चलते ब्रांड न्यू आईसी चैंपियन जो क्राउन हुए वो थे सेमी ज़ेन। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन उस फिनिशर पर दोस्तों किक आउट नहीं कर पाए, सेमी ज़ेन मैच को जीत गया। और सेमी ज़ेन का जीतना काफी शॉकिंग थिंग तो है, लेकिन मेरे हिसाब से काफी बढ़िया थिंग है, क्योंकि जो सेमी ज़ेन है वही इस टीम का माइक थे, और सेमी ज़ेन अब अपने मैच को काफी अच्छे से बुक करेंगे, काफी ज्यादा हीट बनाएंगे, काफी मजा आएगा रेसलमेनिया में। सेमी वर्सेस ब्रॉन यहां से लग रहा है। मेन इवेंट की बात करी जाए तो इसके ठीक बाद हमें देखने को मिला है
मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि गाइस WWE ने ऐसा बुक कर दिया कि हमें अब अपनी लेडी ब्रॉक लेसनर मिल गई। तो इस मैच की बात की जाए, ये था वुमेन्स का एलिमिनेशन चेंबर मैच, जहां दोस्तों दाव पर थी अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट बैक इन द बिगेस्ट पीपीवी यानी कि रेसलमेनिया 36। और सबसे पहले दोस्तों रिंग के अंदर जो शुरुआत करती है वो करती है नटालिया और रूबी रेड, बाकी की महिलाएं अपने अपने पॉड में बंद थी। होता गया गाइस कि दोनों के मध्य काफ़ी अच्छे मूव सेट लगते हैं। फिर एंट्री होती है सेरा लोगन की, सेरा लोगन दोस्तों डाई भी लगाती है, मैच काफी बढ़िया जा रहा होता है, लेकिन फिर एंट्री हुई है दोस्तों शेना बेजलर की। शेना बेजलर की एंट्री के साथ ही दोस्तों मैच बिल्कुल आधा हो गया, 10 मिनट का मैच था, 5 मिनट का रह गया। शेना ने आते ही सार सेरा लोगन को चोक होल्ड लगाया और वो चोकआउट हो गई, बेहोश हो गई। उसके बाद दोस्तों बारी आई रूबी रायट की, रूबी रायट भी दोस्तों बेहोश हो गई सबमिशन लगने के चलते, दोनों बाहर हो चुकी थी। नटालिया की बारी आती, नटालिया को थोड़ा बहुत पीटती है पहले तो शेना, और उसके बाद उन्हें भी चोक होल्ड लगा के बाहर कर देती है। वहां दोस्तों नटालिया बाहर हुई, एंड में दो पॉड बचे, सभी लोग था आस्का निकलेगी, आस्का निकलेगी तो बेहतर परफॉर्म करेगी, निकलती है वहां लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन की जो मैंने पिटाई देखी वो आज से पहले मैंने बहुत कम महिलाओं की देखी है, उन्हें इधर उधर ऐसा ही पटका गया माने वो कोई तिनका हो। उसके बाद दोस्तों जो लिव मॉर्गन है वो भी बाहर हो गई, वो भी चोकआउट हो गई, एंड में निकली आस्का। आस्का ने थोड़ा बहुत फाइट बैक करने की कोशिश की है, कुछ समय तक वो टिकी लेकिन उसके बाद भी उन्हें चोक होल्ड लगा और आस्का भी फेड आउट हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों शेना बेजलर इस मैच में विजय रही, बैकी वर्सेस शेना मैच तय हो चुका है रेसलमेनिया के अंदर, और बैकी के सामने काफी तगड़ी ओपोनेंट। आपको क्या लगता है रेसलमेनिया में क्या होगा, शेना जीतेगी या फिर बैकी, कमेंट करके मुझे बताएगा जरूर। साथ ही साथ वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ खैर।